और मैंने इतना समय लगाऊंगा सर, तो कहीं ना कहीं सर मेरा पूरा करियर इस कंपनी में लगा हुआ है, तो सर बाई चांस ये कंपनी भागी तो सर? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल किया जोगिंदर सैनी जी आपने, अब तक का सबसे अच्छा सवाल किया आपने। और मैं आपको बिल्कुल कुछ चीजें बताता हूँ आपने सवाल क्यों किया है। आपने सवाल इसलिए किया है कि जब भी आदमी कहीं फ्यूचर लगाता है, कैरियर लगाता है, तो उसको अपने कैरियर की चिंता होती है, उसको लगता है कहीं गलत जगह तो मैं टाइम नहीं लगा रहा हूँ, कि मैं इतनी देर मेहनत करूंगा और बाद में मैं वापस बैकफुट पे ना जाऊं। सर मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब तक आपने हमारे प्लान को पूरा तरीके से देखा, सब कुछ समझा, लेकिन फिर भी कुछ चीजें जानना चाहता हूँ कि आपने बोला कंपनी भाग गई, तो मैं आपकी सहमत हूँ आपकी बात से, थोड़ा सा एक चीज मुझे बताइए सर, कंपनियां क्यों भागती हैं? आपकी जानकारी के लिए मैं कुछ चीजें बताऊं, कंपनियों भागने के कुछ कारण होते हैं। सबसे पहला कारण ये होता है कि हम जो प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड बंद हो जाए, तो लोग हमसे प्रोडक्ट लेना बंद कर देंगे, तो हमारी कंपनी चलेगी नहीं और कंपनी कभी घाटे में नहीं चलती है। दूसरा कारण, कोई भी दुकान या कोई भी कंपनी बंद तब होती है जब उधार में होती है, सही है। तीसरा कारण, कोई भी कंपनी जब प्रॉफिट में नहीं होगी तो वो बंद हो सकती है, या एक कारण जब कुछ कानूनी ऐसी प्रक्रिया हो जो गवर्नमेंट की लीगलिटीज हो जो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बाद में भी कंपनी बंद हो सकती है। और पांचवा कारण कि लोगों ने काम करना बंद कर दिया, तो यही कारण होंगे, इसके अलावा कोई कारण हो सकता है? सर मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली प्रोडक्ट डिमांड, हम लोग आज वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हेल्थ के प्रोडक्ट हम लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, आपने हमारे प्रोडक्ट के बारे में समझा होगा, हम किस चीज के लेकर प्रोडक्ट दे रहे हैं। आज पेट की समस्या की बात करें तो 90% लोग ऐसे हैं जिनको आज पेट की प्रॉब्लम है, गैस, कब्ज, एसिडिटी। आज डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो बहुत स्पीड से पांव पसार रही है। आज ऑर्थोराइटिस की बात करें, घुटनों के जोड़ों के दर्द की बात करें, तो हर आदमी 40 साल के बाद में इससे त्राही त्राही कर रहा है। गायनिकल प्रॉब्लम, जेंट्स की सेक्सुअल हेल्थ से लेकर लीवर से लेकर उसके बाद स्टोन की प्रॉब्लम है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, जो आए दिन दिन दोगुनी रात चौगुनी स्पीड से बढ़ती जा रही है। तो हमारे जो प्रोडक्ट है इनके ऊपर बहुत ही अच्छे कारगर है, और जैसे कि मैंने आपको टेस्टिमनी में दिखाया, हजारों लोग आज ठीक हुए। तो आप मुझे बताइए ये बीमारियां क्या आने वाले टाइम में कम होंगी या ज्यादा होंगी? ज्यादा होंगी। तो हमारे प्रोडक्ट कम बिकेंगे या ज्यादा बिकेंगे? ज्यादा। तो हमारे प्रोडक्ट बिकते रहेंगे। दूसरी बात, हमने उधार की बात की, मार्केट में कोई भी प्रॉफिट में नहीं होके नुकसान में तब जाता है जब वो उधार देना शुरू कर देता है। सर हम लोग क्या करते हैं, आपने यहां से अभी तक हमने एक बार भी आपको नहीं बोला कि आप हमारा प्रोडक्ट ले जाइए, उसके 20 दिन बाद में पैसा दिया। हम आपसे पहले पैसा लेते हैं, उसके बाद 7 दिन के बाद आपका प्रोडक्ट आपके पास बाई कोरियर पहुंच जाता है, उसके नेक्स्ट वीक जिनका कमीशन बढ़ना होता है उनका पे आउट उनके पास पहुंच जाता है। यानी कि पहले हम आपसे पैसा लेते हैं, उसके बाद आपका प्रोडक्ट आपके पास कोरियर करते हैं, और कंपनी 30% पैसा अपना और प्रोडक्ट का रख के 70% पैसा लोगों को पे आउट कर देती है। मींस हम उधार के अंदर कोई भी प्रोडक्ट नहीं देते। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये प्लान जस्ट डिजाइन किया था कंपनी ने आज से 2.5 साल पहले, तब से पूरा का पूरा प्लान कैलकुलेटिव प्लान है कि जब भी आप जो पैसा हमें देंगे उसमें से 30% पैसा कंपनी प्रोडक्ट और अपना प्रॉफिट रखेगी, 70% पैसा हम लोगों को ऊपर वाले लोगों को एज ए कमीशन बांट देगी। तो जब आप का प्रॉफिट मैं तब दे रहा हूं, जब आप किसी को ज्वाइन करा रहे हैं उसका पैसे से प्रोडक्ट खरीदे तो ही तो मैं आपको कमीशन दे रहा हूं। मैंने अब तक एक बार भी आपको यह नहीं बोला कि सर आप हमारी एसएलपीएस में ज्वाइन हो जाइए और आपको बिना कुछ करे हर हफ्ते हर महीने चेक आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं बोला। मींस आप जो काम करेंगे उसके बदले आपको पैसा दिया जा सकता है, तो कंपनी चलेगी? चलेगी। उसके बाद गवर्नमेंट की जो लीगलिटीज है उनकी बात करें तो अभी गवर्नमेंट ने, कंज्यूमर अफेयर्स ने, जो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर जो गाइडलाइंस निकाली है उस गाइडलाइंस पे हमारी कंपनी 100% पूरा उनको फॉलो कर रही है। और अभी कुछ ही दिन पहले हमारी कंपनी ने सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे कंज्यूमर अफेयर में सबमिट कर दिए हैं, वहाँ पे अंडरटेकिंग भी हमारी कंपनी ने वहाँ पे दे दी है, हम सारे के सारे उसके रूल्स और नियम को फॉलो कर रहे हैं। सर ये लीगलिटीज की बात ये होगी। अब लास्ट में आपका सवाल था कि अगर लोगों ने काम करना बंद कर दिया तो, सर मैं आपको छोटी सी चीज आपसे जानना चाहता हूँ, जब आप किसी भी जगह काम करते हैं आप किसी भी जगह से नौकरी क्यों छोड़ते हैं, कारण ये है, या अपना काम बंद क्यों करते हैं जब आपको आपके काम का प्रॉपर पैसा नहीं मिलता? जहां तक मैंने पिछले सवाल में आपको बताया था, आज हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे अच्छा पे आउट देने की बिना किसी कंडीशंस के अगर कोई कंपनी है तो उसका नाम है एसएलपीएस वेलनेस। आज हर आदमी हमारे साथ यहां पे जुड़ने के बाद वो खुशी फील करता है, अच्छा फील करता है, और वो अपना भविष्य
सेफ देखता है कि मेरा अगर भविष्य सेफ है और बहुत जल्दी से मैं अपनी कामयाबी ले सकता हूं तो असलीपीएस वेलनेस के साथ ले सकता हूं, तो सर कंपनी भागेगी नहीं, कंपनी तो दिन दोगुनी रात चौगुनी स्पीड से प्रोग्रेस कर रही है। बस जरूरत है आपको और हमारे को साथ में हाथ मिलाने की, और हम भी कंपनी के साथ में दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रोग्रेस की स्पीड से अपनी लाइफ में भी तरक्की कर सकते हैं। सर आप आइए, हाथ मिलाइए, हम भी कंपनी के साथ में प्रोग्रेस करते हैं। बिल्कुल सर, आप जितनी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने ज़रूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, इससे हमारे न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी। धन्यवाद।